आपका क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो फॉर्म. ठीक है, तो देखो इसको कैसे करना है. सबसे पहले इसके दोनों के निकालने हैं आपको प्राइम फैक्टर्स. तो क्या आएगा, देखो इसका 2, ये हो गया 504. फिर 2 से हमने किया इसको, तो ये आ गया 2, देन 5, देन 2. अगेन देखो इवन नंबर है 2 के साथ, तो ये हो गया 1, 2, 6, अगेन 2 के साथ, तो ये हो गया आपका 63, है ना 63. तो ये 3 से जा रहा है, तो दैट इज 21. फिर ये अगेन 3 से जा रहा है, तो ये हो गया आपका 7. फिर 7 से आपका हो गया 1. अब इसके पेयर बनाओ, तो पेयर इज 2, अगेन वन मोर पेयर इज 2. एक पेयर आपका 3 है, तो 7 आपका अकेला है ना, इसका पेयर नहीं है. तो आपको कौन सा होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 7 से. तो आपको क्या करना है, 7 इंटू नंबर जो आपको दिया है 1008, दैट इज इक्वल टू, देखो कितना हो रहा है 5607, 7056. इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7056 इज इक्वल टू, देखो 2 का पेयर है, वी विल राइट 2 हियर, अगेन 2 का पेयर है, फिर 3 का भी पेयर है, और देखो 7 का ये है, और 7 के साथ हमने मल्टीप्लाई भी किया है, तो ये भी आपका पेयर हो गया, तो इंटू 7, दिस इज इक्वल टू, देखो कितना हो रहा है, 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 21 दैट इज इक्वल टू 84, तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 84. ठीक है, अब इसका करते हैं 2028 का, तो 2 से करना है आपको 2, तो यहां पर हो गया 1014, अगेन 2 से करो, तो ये हो गया आपका 507. अब ये किससे जाएगा, 7 प्लस 5 इज 12, तो 12 हमारा 3 के टेबल में जाता है, तो 3 से, तो ये आपका हो गया 1 टाइम्स 20, दैट मींस 6 टाइम्स 27, दैट मींस 9 टाइम्स, तो यहां पर आ गया 169, तो 169 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 13, तो यहां पर लिखेंगे हम 13, इधर भी 13, फिर 13, फिर 1, पेयर बनाओ, तो 2 का पेयर है एंड 13 का पेयर है, 3 का नहीं है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है आपको 2028, 3 इंटू 2028, तो देखो क्या आ रहा है, 3 8 जा 24, 2 के 3 2 जा 6 प्लस 2 इज 8, 0 देन 6, तो 6084 आ रहा है. तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6084 इज इक्वल टू, देखो पेयर 2, 13, और ये देखो एक 3 इधर है जिसको मल्टीप्लाई किया, एक 3 इधर है, तो इंटू 3, तो कितना हो गया, देखो 2 इंटू 39 दैट इज इक्वल टू 78, तो 78 आपका इसका स्क्वायर रूट है. ठीक है,